वो चूल्हे पर बर्तन चढ़ाए चूल्हे में अपने पैरों को घुसा देती है, फिर पैरों में आग जला के खाना पकाने लगती है। और थोड़ी देर बाद सास रसोई में आके ये दृश्य देखते ही दीदी उस तरफ देखो, पलकी से नई दुल्हन जा रही है। हाँ, क्या तू देखने चलेगा? चल करीब जाके देखते हैं नई दुल्हन कैसे दिख रही है। ये कहकर बानी और डकाई पलकी के पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन उनकी सारी बातें एक पेड़ की डाल पर बैठी सुन रही थी पुतुना चुड़ैल। अरे अरे देखो तो, कितनी सुंदर पलकी में चढ़ के नई दुल्हन जा रही है, मैं भी देखूंगी, अभी जाती हूँ। ये कहकर पुतुना चुड़ैल पेड़ के डाल से उड़कर दुल्हन को देखने के लिए पालकी के पास आ गई। वाह, ढोल नगाड़े के साथ दुल्हन जा रही है, कितनी सुंदर दृश्य है, मैं भी उनके पीछे पीछे जाती हूँ। कुछ दूर जाके वो पालकी एक बड़े घर के आंगन में रुकती है, और उसी घर के पास एक बड़ा सा इमली का पेड़ था, जिस पेड़ में वो पुतुना चुड़ैल आके बैठ गई। अरे कितनी मजे की बात है, आज से मैं इसी इमली के पेड़ पर रहूंगी और मैं देखती रहूंगी कि ये नई दुल्हन किस तरह से अपने घर संभालती है। ये नई दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाता है। नई दुल्हन ससुराल में सबके साथ मिल जुल के रहने की कोशिश करती है, लेकिन एक दिन ओहो, इस छोटे से गांव में न जाने क्यों डैडी ने मेरी शादी करवा दी। यहाँ ना है कोई सिनेमा हॉल, ना कोई कैफे, ना कोई शॉपिंग मॉल, हद है, मैं इस गांव में किसी भी हालत में नहीं रहूंगी, कोई बहाना बना के यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी श्रीलेखा की सास उसके कमरे में आके कहती है, बहू तुम तो अपने कमरे में ही हो, जरा रसोई में जाके बाबूजी के लिए चाय बना कर दोगी? मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, भगवान को फूल और प्रसाद चढ़ा के आ जाऊंगी, तब तक तुम चाय बना लो। ये कहकर श्रीलेखा की सास उसके कमरे से चली गई और श्रीलेखा भी चाय बनाने चली गई। फिर चाय बनाने की कोशिश करते हुए वो गहरी सोच में पड़ गई। अरे चाय कैसे बनाते हैं? हाँ याद आया, यूट्यूब पर रेसिपी देख लेती हूँ। ओ, ये इंटरनेट भी नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूं? चाय बनाने के लिए पहले डालना चाहिए चीनी। अरे सासू माँ चीनी पीस कर यहाँ रखी है, जो भी हो यही थोड़ा ज्यादा डाल देती हूँ। चाय बना के श्रीलेखा अपनी ससुर जी को चाय देती है, और जैसे ही उन्होंने चाय का घूंट लिया, भगवान भगवान जल्दी मेरे कमरे में आओ। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कह रहा हूँ कि नई बहू को सब कुछ काम समझा दो, वो चाय में चीनी के बदले नमक डाल दिया। हाय हाय, ये क्या कर दिया, चाय में नमक। इस तरह से उसकी दिन गुजरती रही। श्रीलेखा कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी, कभी पति को पीने का पानी देते वक्त गिरा देती है, तो कभी खाना बनाते वक्त खाना ही जला देती है, और कभी तो वो खाने में नमक के बदले बहुत ज्यादा चीनी डाल देती है। अरे बाप रे, घर के काम करते करते मेरा हालात ही खराब हो गया, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी, अब किसी न किसी बहाना बना के भागना ही पड़ेगा। और ये सभी हरकतें इमली के पेड़ पर बैठे देखती रहती है पुतुना चुड़ैल। अरे देखो तो जरा, नई दुल्हन घर छोड़ के भागने की तैयारी में है, कोई घर बसाना चाहते हुए भी घर नहीं मिलता, और जिसे मिला है वो संभाल ही नहीं पा रही, जरा किस्मत तो देखो। फिर उसी रात श्रीलेखा ने अपने पति दीपक से कहा,
सुनो ना, मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है। शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है और थोड़ी आराम की भी जरूरत है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं। ठीक है, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें मायके छोड़ आऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, एक बैलगाड़ी बुला दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। फिर सुबह होते ही श्रीलेखा अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी और ये सब कुछ इमली के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी पुतुना चुड़ैल देख रही थी। अरे वाह, अब जाके मौका मिला है, अब मैं अपनी मन की अधूरी इच्छा पूरी करूंगी। जब तक ना वो नई दुल्हन अपनी मायके से लौट रही है, तब तक इस दुल्हन के रूप लेके मेरी घर संभालने की इच्छा पूरी करूंगी। जैसा सोचा वही किया। किसी तरह से वो रात गुजरते ही जैसे ही सुबह हुआ, पुतुना चुड़ैल दीपक के पत्नी श्रीलेखा के रूप धारण करके उनके घर में आके सासू माँ को बुलाने लगी। सासू माँ, मैं श्रीलेखा, मैं लौट आई हूँ। अरे बहू, तुम तो कल ही मायके गई थी, इतनी जल्दी वापस क्यों लौट आई? जी सासू माँ, वहाँ अच्छा नहीं लगा, इसलिए वापस चली आई। अच्छा, बहुत अच्छा किया, आओ घर के अंदर आओ। इसके बाद से पुतुना चुड़ैल खुशी खुशी दीपक के पत्नी बनकर उसके घर में रहने लगी और दीपक की माँ यानी सासू माँ जो भी करने को कहती है वो फटाफट सब कुछ कर लेती है। बहू, कह रहे थे कि तुम्हारे बाबूजी बाजार से बहुत सारी मछलियाँ लाए हैं, क्या तुम बना पाओगे? आप निश्चिंत होकर कमरे में बैठिए, मैं सारे खाना पका के आप लोगों को बुलाती हूँ। ये सुनकर श्रीलेखा की सास वहाँ से चली गई। तभी वो चुड़ैल अपनी असली रूप धारण की। फिर वो चूल्हे पर बर्तन चढ़ाए, लकड़ी में आग जला के एक मंत्र जपने लगी। गिली 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 छू फू फू फू, ये बन गई मेरी चावल। गिली 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 फू, अब बन गई अलग अलग तरीके की मछलियाँ। फिर वो सारे खाना थाली में परोसकर श्रीलेखा के सास ससुर को खाने के लिए दिया। अरे बहू, इतनी जल्दी तुम्हारे सारे खाना पकाना हो गया? हाँ सासू माँ, हो गई। आप खा कर बताइए कैसे बनी है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, चुड़ैल भी रूप बदल कर मजे से रहने लगे। सारे काम सही से हो रहा है देख सभी खुश थे। फिर अचानक एक दिन, जानती हो बहू, पूरे गांव में मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। गांव के सारे औरतें कह रही थी कि तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएंगे, मैं उन्हें ना नहीं कर पाई। तो क्या हुआ सासू माँ, आप सबको बुला लीजिए, मैं सभी के लिए तरह तरह के भोजन बनाऊंगी। ये सुनते ही श्रीलेखा की सास बहुत खुश होकर वहाँ से चली गई। लेकिन जिस दिन घर में मेहमान आने वाले थे उसी दिन अचानक बहुत बारिश होने लगे। अरे ये क्या हो गया, आज ही इतनी तेज बारिश होनी थी, सारी लकड़ियाँ तो पूरी तरह से भीग गई, अब खाना कैसे बनेगा? सासू माँ, अब चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद वो चूल्हे पर बर्तन चढ़ाए चूल्हे में अपने पैरों को घुसा देती है, फिर पैरों में आग जला के खाना पकाने लगती है। और थोड़ी देर बाद सास रसोई में आके ये दृश्य देखते ही, अरे बाप रे, शादी करके दीपक ये किसको घर लाया, ये तो एक चुड़ैल है, अभी जाके मैं दीपक को बताती हूँ। तभी दीपक भी वहाँ आ जाता है और ये सब कुछ देखकर, माँ किसी को कुछ मत कहना, उसके गरीब मत जाना, मैं तंत्री को बुला लाता हूँ।
इसके बाद दीपक सीधा चला जाता है एक तांत्रिक बाबा के पास और उसे सारी घटना बताने लगे। ये किसके साथ मेरा शादी हो गया बाबा? एक चूड़ेल से मेरा शादी हुआ, उससे हमें बचाइए बाबा। अरे ऐसा है, चल देखते हैं। तेरे घर के आंगन में एक यज्ञ करते ही मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद तांत्रिक दीपक के घर में आकर आंगन के उस इमली के पेड़ के नीचे यज्ञ करने लगे। और उधर पुतुना चुड़ैल, ऐसा कौन कर रहा है मेरे साथ? मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये कहते हुए पुतुना चुड़ैल घर के आंगन में चली आती है। कौन है तू? मुझे सच सच बता, इस घर में प्रवेश क्यों किया? मैं पुतुना चुड़ैल हूँ, मुझे घर बसाने का बहुत शौक था। मेरी शादी भी हुई थी, लेकिन साथ के अत्याचार से घर बसाने की सपना अधूरा ही रह गया। फिर मैं मर के चुड़ैल बन गई। जो गलती किया वो काफी है, अब इस घर छोड़कर, इस गांव छोड़कर अभी चली जा, नहीं तो। नहीं नहीं, मुझे और तकलीफ मत दो, मैं ये घर छोड़ के, गांव छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये कहते हुए पुतुना चुड़ैल उनके घर छोड़कर हवा में उड़ के हमेशा के लिए चली जाती है। अरे दीपक, अब और देर मत कर बेटा, तू किसी भी हाल में तेरे शहर की मॉडर्न बहू को घर वापस ले आ। मैं धीरे धीरे करके उसे घर संभालना सिखा दूंगी। ये दौलतपुर शमशान घाट निसी नदी के किनारे दौलतपुर गांव के अंतिम छोर पर, ये शमशान घाट जो गांव से बहुत दूर है। इस शमशान घाट के आसपास ज्यादातर लोग नजर नहीं आते और यहां तक आने के लिए एक छोटा नदी को पार करके एक बड़ा जंगल को पार करना पड़ता है और यहां दिन में भी हमेशा डर बना रहता है। इस शमशान में दो बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ में रहते हैं चार चार भूत। हम दो भूत, माम दो भूत, घैको भूत और खींदी चुड़ैल। क्या रे हम दो, तुम अपने चेहरे को सरा हुआ मछली जैसा बना के क्यों रखे हो? आज मेरा भूत जन्मदिन है। अच्छा, इसीलिए तुम उदास बैठे हो? दुखे मत हो, खेदी तेरे लिए मछली का केक बनाई है और केक के ऊपर कीड़े लगा के डेकोरेशन किए है और देख के ही लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मेरे जन्मदिन को याद रखे या ना रखे, मैं तो हमेशा ही सबका जन्मदिन याद रखती हूँ। अरे जल्दी चलो, अभी केक भी तो कटना है। रुको जरा, रात को और गहरी होने दो। ए, सुनना, बहुत दिनों से हम बाहर घूमने नहीं गए, चलना कहीं और जाके हम दो का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, बहुत मजा आएगा, चलो ना जल्दी करो। फूलों से सजी हुई एक खटिए पे चढ़कर उड़ते हुए जाते समय वो चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोई जगह पसंद नहीं आई। तभी एक घर के ऊपर से गुजरते समय तली हुई मछली की गंध नाक में आते ही कितनी अच्छी मछली की खुशबू आ रही है, चलो उस घर के बगल में उतरते हैं। चलो चलो जल्दी से उतरो, मछली की खुशबू से जन्मदिन का पार्टी पूरा जम जाएगा। फिर वो चारों उस घर के पास वाली जमीन पे उतरती है। ए, तुम लोग तैयार हो ना? ए हम दो, मछली के कांटे जल्दी से पकड़ और केक को काटना शुरू कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हम दो। अब
आपके सामने संगीत पेश करेंगी भूत जगत की संगीत के महारानी मिस हेदी और भूत जगत के संगीत के राजा कुमार मामडो। हम सब शमशान के बुत, हम सब भयंकर सारे बदमाशों का तोड़ देते हैं सर। मामडो का जन्मदिन में पार्टी करे खुशी मन में, घूमो फिरो नचो गाओ मेरे प्यारे दोस्तों आओ। कोई शैतान ना, फिर भी कोई बदमाशी करे हम सब उसको मिलके मारे। मेरे सारे दोस्त आए, मछली का कौन से रह ना जाए, तेरे सारे मछली लाओ जी फड़ के खाए। हम लोग का यहाँ ही हवा में उड़ते हैं, कोई बदमाश को देखे तो उसका सर फोड़ते हैं। हम दो के जन्मदिन की पार्टी जोरों से चल रही है। अचानक पास वाले घर से चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्टी रुक गई। तभी वो चारों उन्हें देखने लगे। ये क्या, अभी तक सारे मछली नहीं पकी? हो गया है, तुम जाके बैठो, तुम्हारे ससुर जाके दे आते हैं। फिर बूढ़े ससुर जाकर तले हुए मछली बहू को दे आते हैं। ये लो तुम लोगों का मछली, यह रख के बाहर जाके बैठिए, मैं जाके खाना देती हूँ। खुद अच्छा खाना खाने के लिए बूढ़े सास ससुर को बाहर खाने के लिए बिठाते हैं और देते हैं सिर्फ थोड़ा सा चावल और दाल। खुद कितने सारे खाना खाते हैं और माता पिता के लिए सिर्फ चावल और थोड़ा सा दाल, तुम्हें तो एक टुकड़ा मछली दे सकती थी। ओ सब छोड़ो, अब तो हमारा उम्र हो गया है, इतने में ही हम खुश है। खुद ना खा के बेटे को खिलाए, खेती बाड़ी करके बेटे को पढ़ाया लिखाया, खुद के लिए कुछ नहीं रखा। हा भगवान, अब इस उम्र में आके हमें ऐसा दीन देखना पड़ रहा है। मामा, मैं जल्दी ही छूटू करके आती हूँ। अपने दादा दादी पर इस तरह अत्याचार होते देख उनके पोता को बहुत दुख होता था। उस दिन वो कुछ तली हुई मछली लेकर दादा दादी को देता है। दादाजी, दादी जी, आप दोनों जल्दी करके ये मछली खा लीजिए। ठीक उसी वक्त उनके बहू पीछे से जाकर अपनी बेटे का हाथ पकड़ लेता है। दादा दादी के लिए मछली लेकर आया है, मुफ्त में मिलता है क्या सब कुछ? बहुत हिम्मत हो गया तेरा। दादा दादी बिना मछली के चावल क्यों खाएंगे? बहुत जबन लड़ा रहा है, अंदर चलो। ये सब देखकर भूतों को बहुत गुस्सा आया। रुको, उस बदमाश बाहू का गर्दन मरोड़ के चबा जाऊंगा। गुस्सा मत कर, उन्हें अलग तरह से सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह चारों भूत पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रहे थे। दूसरी ओर बूढ़े ससुर आंगन में झाड़ियाँ साफ कर रहे थे और बूढ़ी सास सब्जियाँ काट रही थी। तभी उनके बहू आके एक प्लेट जोर से फेंकता है और उस आवाज से चारों भूत उनके तरफ देखा। इस तरह कोई बर्तन साफ करता है? बर्तन में जूठे लगे हैं, दिखाई नहीं दिया? ठीक से कीजिए। अभी कर देती हूँ बहू, अभी कर देती हूँ। असल में चश्मा टूट गया है ना, दिखाई नहीं दिया। खाने के वक्त तो सब कुछ दिखाई देता है। रख तुझे तो। ठीक उसी वक्त हम दो पेड़ से एक आम तोड़ के उनके बहू की तरफ जोर से फेंका और वो आम जाके बहू के मुंह पर अटक जाता है। ये देख रवि चिल्ला के बोला, कौन 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 आम फेंक के मारा? पिताजी, आप बहू को ऐसे मारा?
अभी तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। अच्छा, जिसका घर उसे ही बाहर निकाल दोगे। उस वक्त घेंगो भूत ने देखा कि एक गाय पॉटी कर रही है। तभी वो अपना हाथ बढ़ा के थोड़ा सा गोबर उठाए और सीधा रवि के मुंह पर फेंक दिया। लगता है जरूर कहीं बाहर से फेंका। आज उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। एक तो बढ़िया सा प्लान करना पड़ेगा। उस दिन शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी। रवि अब तक घर नहीं लौटा था और इसीलिए उसके माता पिता चिंतित होकर खटिए पे बैठकर इंतजार कर रहे थे। तभी रवि अपनी पत्नी और बेटे के लिए कुछ फिश कटलेट लेकर घर लौटा, लेकिन अपने माता पिता के लिए एक भी नहीं लाए। ओ देख, उनके बहू खुद के लिए खाना बना रही हैं। फिश कटलेट खा रहा है। रुको, जन्म भर के खाना खिलाता हूँ। दादा दादी और पोते को थोड़े देर के लिए सुला देता हूँ, नहीं तो भूतों का तंडव देख के डर जाएगा। तभी उनके बहू एक बड़ा सा प्लेट में मुरमुरा, मिर्ची और एक प्लेट में कटलेट लेकर आती है। उधर उसकी बूढ़ी सास और ससुर बाहर ही बैठे रहते हैं। इधर जब बहू एक कटलेट उठाने जाती है, ठीक उसी वक्त शुरू होती है और तुरंत ही सारे कटलेट हवा में उड़ने लगे। रवि और उसके पत्नी कटलेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? हवा में कटलेट उड़ रहा है। और ऐसी हालत में कोई एक मुट्ठी कच्चे मिर्च लेकर उसके मुंह पर ठोस देता है। अरे बाप रे, मिर्ची, मुंह जल गया मेरा। इसके बाद जब वो पानी के बॉटल लाने जाती है तो बॉटल शून्य में उड़ने लगता है। तभी चारों भूत उनके सामने आते हैं। ये ले, थोड़ा और था। अपने माता पिता को छोड़ के अकेला कटलेट खा रहा था ना? अब हवा में उड़ के ज्यादा ज्यादा तीखी मिर्ची खा। अरे 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 बाप रे, बहुत तीखा मिर्ची, मुंह जल गया मेरा। बूढ़े माँ बाप से तुम लोग बर्तन साफ करवाते हो? बूढ़े सास से खाना बनवाते हो? जब तक खुद के अपराध नहीं मानती, तब तक हवा में ऐसे ही लटकते रहना। अब देख मजा कैसा लगता है। झाड़ियाँ साफ करवाते हो है ना? गलती हो गई। हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। दोनों मिलके 500 बार उठक बैठक लगाओ, जरा सा भी रोके तो उसी वक्त तीखा मिर्च। दोनों मिलके कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं। अगर वो एक बार भी रुके तो साथ ही साथ कच्ची मिर्च। और कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। तभी हमदो और खेदी चुड़ैल दोनों की बाल पकड़कर हवा में उठा लेता है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, हमें छोड़ दीजिए। जो माता पिता खुद भूखे रह के मेहनत करके पानी में भीग के अपने बच्चों को बड़ा किया, उस माता पिता को इतनी तकलीफ पहुंचाने में तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगा? हमें अच्छा सबक मिला है, फिर कभी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। हमसे नहीं, तेरे माता पिता से माफी मांग। फिर हमदो और खेदी बेटे और बहू को धक्का देकर माता पिता के पैरों पर गिरा दिया। ला, आप माता पिता से माफी मांगो। ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा, बहुत तकलीफ पहुंचाया आप दोनों को, क्षमा कर दीजिए।
मैंने बहुत अन्याय किए माँ, आपके ऊपर बहुत बहुत जुल्म किया है, इस बार हमें माफ कर दीजिए माँ। ये बात सुनके रवि के माता पिता मुस्कुराते हुए अपने बहू और बेटे के सिर पर हाथ रखते हैं और इसके बाद से वो सारे मिलजुल के खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम है शिक्षा, पंकज, पिंटू, भीम, विवेक, अरियाना, रबिया, सोनू, अंजलि, माधव, प्रियंका, अताबुल, साइमा, शिवम, परविंदर। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें, उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से क्लिक करके देखिए।